अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट बीफ पुलाव। उसके लिए जो हमने गोश्त लिया हुआ है 1.5 kg, उसकी यखनी जो हम चढ़ाएंगे उसके लिए हमने ये सौंफ धनिया लिया है, ये खड़े गरम मसाले लिए हैं, ये थोड़ा अदरक लहसुन प्याज मिर्चे ये सब हम इसके अंदर कूट के डालेंगे, और ये सौंफ धनिया भी कूट के डालेंगे, और नमक आपने हसब ज़रूरत लेना है। ज़ाहिर है चावल डालने के बाद भी नमक डलता है। बाकी प्रोसेस हम यखनी बनाने का आपको बाद में दिखाते हैं। देख लें, ये इसको मैंने कूट लिया, मिर्चे है अदरक लहसुन प्याज जो भी था हमारा, ये सौंफ धनिया भी हमने कूट लिया। अब बस सिंपल हमने क्या करना है, देख जी कितना गोश्त डालेंगे बस। इसके अंदर ये खड़े गरम मसाले थे हमारे, इसमें कोई भी आपने जो है ना हल्दी नमक मिर्च इसलिए मेरा जो कुटी मिर्च कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो हम पुलाव बना रहे हैं वाइट होगा, और ये सौंफ धनिया का पाउडर है, ठीक है। 2 चम्मच धनिया था, 2 चम्मच सौंफ थी, सिंपल। ये मैंने 1 चम्मच के करीब बचाया है, ये हम बाद में डालेंगे। सिंपल ये हमारा जो मिक्सचर था जिससे हमारी यखनी का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको गलाना है, गलाने के लिए इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। आप जितना गोश्त बना रहे हैं उसके हिसाब से आप रखिएगा। तो गलने में टाइम तो लेगा ही लेगा, आधा घंटा तो तकरीबन लगेगा ही लगेगा। बस सिंपल इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे, आधे घंटे तक हमें इसको गलाना है, जब तक कि अच्छे तरीके से गल नहीं जाए। जैसे ही गलता है तो मैं दिखाती हूँ आपको, फिर बाकी का प्रोसेस बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। वीडियो ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा, जब तक फुल वॉच नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या चीज़ कब डालनी है। ये देखिए हमारी यखनी जो थी रेडी हो गई थी। अब हम इसका भगार का काम स्टार्ट कर रहे हैं। पुलाव का ये प्याज लिए मैंने, 2 से 3 प्याज है, ये आधा पाव के करीब हरी मिर्चें थी, क्योंकि हमारे चावल जो है वो 1.5 किलो के करीब है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 1 प्याली के करीब हमने कुकिंग ऑयल लिए, 1 प्याली दही है हमारी योगर्ट, 1 प्याली हरा धनिया, और जो बचा हुआ हमारा सौंफ धनिया था वो हमने ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या डालना है इसके अंदर, ऑयल, और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। देखची मैंने बड़ी ली है, चावल पकाने के लिए हमेशा खुली और बड़ी देखची लेनी चाहिए ताकि चावल ख़राब ना हो। प्याज हमने इसमें डालनी है, तो हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। हमारे तो प्याज ब्राउन कर लिया, बाकी जो प्रोसेस है हम कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखची में ये साबुत गरम मसाला डालना है, सारा गरम मसाला मिक्स। इसमें हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे,
तरीके से दरदरी पीस थी मोटी मोटी सी। बाकी मैं आपको ही दिखा देती हूँ हमारी यखनी जो है वो रेडी हो गई है। इस तरीके से हमारा गोश्त तैयार हो गया, गल गया। आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, नहीं पीले की तरफ चेक करें। अच्छा कैंडल गल गया, इतना ज़्यादा भी नहीं गले कि हड्डी के ऊपर से गोश्त उतर जाए, और इतना कम भी नहीं गले कि वो खाने में प्रॉब्लम। बस ये सिंपल हमने इसको डाल के इसके अंदर भूनना है, थोड़ा सा अदरक लहसुन भी स्मेल खत्म कर ले। गोश्त डाल के भूनेंगे, स्टॉक जो है ना हम बाद में डालेंगे। हमारी बिल्कुल यखनी रेडी हुई है, जो हमारा स्टॉक था वो भी डाल दिया था हमने इसके अंदर थोड़ा सा गोश्त को भूनने के बाद अदरक लहसुन के साथ। अब हम फाइनली चावल डाल रहे हैं इसमें। ये हमने दही डालना है इसके अंदर। अच्छी मिर्ची डाली है, ये धनिया लिया था हमने, थोड़ा सा ऊपर से डाल लेंगे। और ये जो सौंफ धनिया हमने रखा था यखनी में भी डाला था हमने, और ये फाइनल हम इस पे भी डाल देंगे। और ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा इसको चखने के बाद पता चल जाएगा। अगर मुझे लगेगा ये कम है तो मैं और डाल दूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल पानी इसका खुशक होने पर है पुलाव का, चावल भी देख सकते हैं आप भाप कैसे उड़ रही है। बस इसको अब हमें दम देना है, दम देने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें ये हमारे वाइट पुलाव का एकदम इंस्टेंट लुक, फाइनल लुक। चावल देख लो, और ये टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, उसको खा सकते हो। चावल देखें एकदम वाइट वाइट खिले खिले पके हमारे।